सरकार एक तरफ चंद्र बाबू नायडू लगे, एक तरफ नीतीश कुमार लगे हैं। एनडीए छोड़िए, हमको नीतीश जी को जो है ना बिहार से है नीतीश जी को जनसंख्या मंत्री बना देना चाहिए। जैसे नीतीश कुमार गठबंधन जो किए हैं भाजपा से, उस तरह से तो लग रहा है कभी भी पलटी मार सकते हैं। पैसा खर्चा करके पढ़ाने के लिए भेजता है कि मेरा बेटा नौकरी करेगा, यहाँ बेटा बकौरा बेचेगा, यानी आत्मनिर्भर। आप सुनिए, अरे आग लगा देंगे ऐसे आत्मनिर्भर को। जिसकी प्रवक्ता बन के यहाँ खड़ा हुए हैं, मोदी साहब जी का एक चीज है, जवाब आया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ गया भैया? आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अरे क्या निर्भर बना रहे हैं? निर्भर बना रहे हैं, अपने किसी और से निर्भर हो गए। इंडिया गठबंधन कायम रहेगी। मोदी जी इतना बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा नेता है, बनारस से जीते हैं 1.5 लाख से, राहुल गांधी 5-5 लाख से जीते हैं दोनों जगह से। एनडीए की सरकार चलेगी, एकदम चलेगी। वही कबार एक राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि हमारा दिन चले तो अपन ब्याह करा दे मम्मी से, नीति जी चला देंगे। ऐसे खाली बैसाखी के तो राहुल के जरूरत है, कह राहुल जी सोनिया गांधी की बैसाखी। क्या लग रहा है एनडीए की सरकार बनी है केंद्र में, पहली बार ऐसा हुआ है 10 साल में, मतलब कि एनडीए की सरकार बनी हुई है गठबंधन, तो क्या लग रहा है चल पाएगा ये, कितना चलेगा? एनडीए गठबंधन को जनता ने, इस देश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करना चाहिए, सब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा जब तक जिंदगी इंसान का रहेगा, पर अब देश में विकास तो इस पर बात होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पर, बलते बेलगाम महंगाई पर। विकास सब होगा सर जबकि एक स्ट्रॉन्ग सरकार होगी, ये मतलब बहुमत नहीं ला पाई है बीजेपी, तो एनडीए सरकार बनी है, तो क्या लगता है सही तरीके से काम हो पाएगा? अगर कोई भी एक उसमें से गठबंधन तोड़ता है तो सरकार जो हिल जाएगी, तो उसमें ऐसा क्या लगता है? समर्थन करने वाले बिहार से किंग मेकर के रूप में हमारे नीतीश कुमार उभरे हैं, किंग मेकर के रूप में हमारे चंद्र बाबू नायडू उभरे हैं। इन लोगों को समर्थन दिए हैं तो किसी बातों पर दिए होंगे ने, किसी शर्त पर दिए होंगे ने। ये जो अपने अपने राज से आ रहे हैं, राज के बारे में क्या सोचते हैं? अब नीतीश कुमार बिहार के बारे में क्या, राज का दर्जा की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो दे नहीं रहे, तो क्या लग रहा है? अब बिहार को विशेष राज का दर्जा नहीं मिला तो बिहार का दुर्भाग्य होगा। बिहार में दरभंगा में एम्स नहीं खुला तो दुर्भाग्य होगा बिहार का। नीतीश जी जैसा कि कह रहे हैं, अगर उनकी डिमांड को पूरी नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, फिर तो वो जब चाहे गठबंधन। मैडम आपको मालूम होना चाहिए, यही नीतीश कुमार 17 सालों तक लगातार, आप 18वें सालों में आ गए हैं, तो लगातार एनडीए गवर्नमेंट से ये सरकार यहाँ बनाए हुए हैं। क्या लग रहा है कि देखिए हम एनडीए छोड़िए, हमको नीतीश जी को जो है ना बिहार से है नीतीश जी को जनसंख्या मंत्री बना देना चाहिए। इंडिया गठबंधन कायम रहेगी। मोदी जी इतना बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा नेता है, बनारस से जीते हैं 1.5 लाख से, राहुल गांधी 5-5 लाख से जीते हैं दोनों जगह से। मोदी जी अपने आप को बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा नेता है, कहाँ 1.5 लाख से जीते, 4 घंटे पाछे चल रहे थे, न्यूज वाला उनको नहीं दिखा रहा था कि पाछे चल रहे हैं, काहे लिए? मोदी जी की सब मीडिया है, गोदी मीडिया सब है, लेकिन अब तो नहीं रहेगी क्योंकि मोदी सरकार है, या नहीं बैसाखी की सरकार है, एक तरफ चंद्र बाबू नायडू लगे, एक तरफ नीतीश कुमार लगे है। नीतीश कुमार को नहीं मानते हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं मोदी जो 14 में है तो 24 में जाएगा, नीतीश कुमार बोलते हैं तो किए है ना, नीतीश कुमार बोले थे जो 14 में आएगा 24 में जाएगा, उनका भतीजा झंडा उठा लिया है, लेकिन समर्थन तो दिए हैं नीतीश, समर्थन लगले तुरंत वापस लेंगे, वहाँ पर मान सम्मान भी नहीं है, नहीं चलेगी सरकार। वो विशेष राज के दर्जा के लिए पूरे भारत घूमते है ना कि दर्जा चले, तो उनको बस पावर है कि दर्जा ले लेंगे, देख रहे हैं कि दर्जा ले रहे हैं, दर्जा नहीं मिलेगा उसी दिन। क्या रीजन है, कौन कौन मुद्दे पे लगता है कि जो सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाई? सरकार गठबंधन की सरकार है, नीतीश बाबू और चंद्र बाबू नायडू एक नंबर के पलटी मार है, वो तो रहेंगे नहीं मोदी जी के साथ, मोदी जी किसानों को आरक्षण की दिलाने की बात करते हैं, मोदी जी देंगे नहीं, मोदी जी देंगे नहीं, चंद्र बाबू नायडू और नीतीश कुमार सामाजिक नेता है, समाजवादी नेता है, समाजवादी समंतवादियों के साथ कभी रह नहीं सकते हैं, नहीं रह पाएंगे देखिएगा। देखिए अभी रिसेंटली कल ही शपथ ग्रहण हुआ है, ठीक है, और महाराष्ट्र के दो एक मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री है शिंदे गुट
शिंदे गुट के एक मंत्री है जो कल शपथ लिए, उन्होंने कह रहे कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है। कैसा भेदभाव? भेदभाव ये हुआ है कि पांच सांसदों वाले व्यक्ति को, रामविलास पासवान की पार्टी है जो चिराग पासवान की पार्टी, उससे वो कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि उनको सेंट्रल मिनिस्टर का पद दिया गया है और इनको केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दिया गया है। इनके पास 7 सीटें हैं, इनके पास 5 सीटें हैं, सीटें ठीक है। उधर से एनसीपी के जो क्या कहते हैं, जो अजीत पवार हैं, शरद पवार के भतीजे, वो भी अभी एनडीए का हिस्सा है, उनके पास 1 सीट है, उनको भी केंद्रीय राज्य मंत्री का ऑफर दिया गया, पर वो उसमें भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि यहाँ जीतम राम मांझी हैं जो 1 सीट वाले व्यक्ति, उनको सेंट्रल मिनिस्टर का पद दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बन रही है, और कहीं ना कहीं इधर के इधर जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़े मतलब दिन लग रहा है कि आगे चल के डगमगा, 7 और 8 1 सीट इनके पास, तो 8 हो गए। क्या लग रहा है? इधर आइए ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम जहानाबाद से। क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ फ्लिपकार्ट में। जॉब करते हैं? एनडीए की सरकार चल पाएगी? तो हम बता नहीं सकते हैं। नहीं बता सकते हैं क्यों? क्या लग रहा है? बहुमत नहीं मिली है भाजपा को? बहुमत तो मिल गई है, तो भाजपा को सरकार बना दी है। अकेला नहीं मिली है, मतलब गठबंधन की है, तो क्या लग रहा है चल पाएगा? ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे नीतीश कुमार गठबंधन जो किए हैं भाजपा से, उस तरह से तो लग रहा है कभी भी पलटी मार सकते हैं। पलटी मारेगी? हाँ जी, पलटी मारेगी लग रहा है। हाँ पूरा मारेगा। पलटी मार देगी तो फिर कहाँ से चलेगी? पलटी मार देगी तो कहाँ से चलेगी एनडीए की सरकार? अभी तो नहीं मालूम, लेकिन बोल रहा है जो पलटी मारेगी, हमको भी इतना जानकारी है। क्या लग रहा है एनडीए की सरकार चल पाएगी? संभव नहीं है। कैसे? वही साल भर चल जाए, बहुत मुश्किल है। साल भर में गिर जाएगा? मुश्किल से साल भर गिर के ये मतलब संभव ही नहीं है। क्या लग रहा है एनडीए की सरकार टिक पाएगी? बिल्कुल टिक जाएगी, बिल्कुल 100%। क्या है क्या लगी? क्योंकि देखिए हम बस सिंपल सा बोल रहे हैं, आप 15 साल पहले जाइए बिहार में, आप यहाँ पे खड़ा रह सकते हैं। का बात करिए ना, 15 साल छोड़ दीजिए, अभी का ही बात, अभी का बात, आप यहाँ पे अभी खड़ा है वही बहुत बड़ा बीजेपी का मुद्दा है। कोई और सरकार रहती तो क्या मैं खड़ा रह पाते? क्या रहते हैं 15 साल आरजेडी का भी रहा। पीछे की बात आप लोग क्यों लाते कि पीछे ये हुआ, अभी जो भविष्य में है वो काम होगा, आगे काम होगा। क्या क्या काम होगा? बहुत कुछ। पिछले राज का दर्जा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इस बार तो हमारा 8 केंद्रीय मंत्री है, इस बार नहीं मिलेगा तो बिहार का दुर्भाग है, और नीतीश कुमार का भी दुर्भाग रहेगा। चाचा जी इधर आइए ना। चाचा जी क्या लग रहा है मोदी मूवमेंट, एनडीए की सरकार चलेगी? एकदम चलेगी। वही कबाड़ एकरा से राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि हमारा दिन चले तो अपन ब्याह करा दे मम्मी से, नीतीश जी चलावेंगे। ऐसे खाली बैसाखी के तो राहुल के जरूरत है, कह राहुल जी सोनिया गांधी की बैसाखी, अरे 400 हम 500 के नारा लगा ली नहीं ले, लेकिन बहुमत में कौन है? नरेंद्र मोदी है 240 टक्कर में कोई है? सब तो गांधी गठबंधन में है, कौन अकेले तो बिहार का कोई सकता है? बहुत बड़ा ऐसा बंद भक्त है, इसको क्या जवाब दे? कौन बोल रहा है? एक सवाल है। अंधभक्त को जितना भी समझाओ वो अपर गंदगी से बाहर नहीं आता। क्यों लग रहा है? सुना करिए, क्या कर रहा है? क्यों लग रहा है? हमारा दिन है। सच्चाई को सामना करने की ताकत इन लोग में नहीं है। क्या सच्चाई है? सच्चाई है लोग दे, जनता देख रही है। क्यों नहीं चले? जनता पूरा नहीं है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कौन सा प्रधानमंत्री इतना झूठ बोला? इतने बड़े पोस्ट करने के बाद झूठ आप नहीं बोल पाएंगे? अरे भाई आप ये बताइए, आप सर्वोच्च नागरिक हो करके आप इतना झूठ बोलिएगा, करेगा आप नहीं बोलेगा, इसका क्या मतलब है? हम बता रहे हैं अकेले उनका नहीं चलेगा, आप सबका सुनना पड़ेगा, गठबंधन की। हाँ तो ये सरकार बैसाखी पे कभी भी गिर जाएगा, इस पे भरोसा नहीं। क्यों गिर जाएगा? क्यों लग रहा है? 100% मोदी जी है तो मुमकिन है। आप इतने तक गिर गए, 4 हो गया, 10 साल देख लिया गया ना, 10 साल देख लिया गया ना, अब आगे भी देखिए क्या होता है। क्या लग रहा है भैया एनडीए की सरकार
टिक पाएगी, कितना चल पाएगी? देखिए टिकने से पहले तो आप इस पर बात कीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे होगा मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ऐसे नारा लगाते थे, लेकिन आज देखिए कि मोदी जी को भी किसी किसी की जरूरत पड़ गई, आप देख रहे होइएगा। तो आप देखिए कि मोदी की गारंटी देते थे मोदी जी, आप सभी को समझ में आ गया ना कि भाई मोदी की कोई कोई गारंटी नहीं है। आज भी मोदी जी को किसी दूसरे की जरूरत पड़ने लगी है। आज देखे होइएगा कि बिहार में क्यों चुनाव मांगा, बिहार में जब वोट लेने की बारी आया जी, आ जाइए सामने आ जाइए भैया। हाँ आप बोल रहे हैं कि बिहार में आज जो है कि कांग्रेस के दिया हुआ राशन, जो गरीबों का राशन जो मिल रहा था, उसके नाम पर वोट लेने की जरूरत पड़ गया। और बात करते थे कि कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, कांग्रेस को पूरा तरह से सुपड़ा साफ करेंगे। भैया जिसकी प्रवक्ता बन के यहाँ खड़ा हुए हैं, मोदी साहब जी का एक चीज है जवाब आया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ गया भैया? आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अरे क्या निर्भर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, अपने किसी और से निर्भर हो गए, किसी और से निर्भर हो गए। बाप दादा पैसा खर्चा करके पढ़ाने के लिए भेजता है कि मेरा बेटा नौकरी करेगा, यह बेटा पकौड़ा बेचेगा, आत्मनिर्भर। आप सुनिए, अरे आग लगा देंगे ऐसे आत्मनिर्भर को। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बन रहे थे, इतने सारे लोगों को राशन क्यों फिर देने पड़े? ये जो 70 साल का गड्ढा एक साल 10 साल में नहीं कोई भर सकता है, टाइम लगता है गड्ढा भरने में, समझी? 70 साल 80 साल का गड्ढा कोई फट से यूं ही आप मिट्टी डाल के नहीं भर सकती है, थोड़ा उसमें समय लगता है। रहा बात इन्होंने जो कहा, गठबंधन 2014 में भी था, 2019 में, लेकिन इंडी गठबंधन कब बना, किसको हराने के लिए बना, ये जरा मेरे भाई से पूछ लीजिए। किसी को बनाने के लिए कब बना, किस लिए बना, पूछिए। चोर को भगाने के लिए पूरा समाजवादी लोगों ने एकजुट होने का काम किया है, फिर भी और आज भी मैं जो इंडिया गठबंधन से कई गुना ज्यादा पार्टी का सहयोगी जो आपके मोदी सरकार में है, आपको गिना देंगे। बिहार में भी आप देख रहे हैं, आरजेडी जो आरजेडी की सरकार नहीं उसके बावजूद भी बहुत ही। अरे भैया मैं बात सुनिए, अरे भैया इंडी गठबंधन है पहले 19 में एक दूसरे को ही नोच खाएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। विधानसभा की बात कर लिया हो, चाहे वो आरजेडी हो, आरजेडी की बात करते हैं, आरजेडी को खोने के लिए क्या था, वो जीरो से चले गए वहाँ पे और आप 39 से घट के चले आए, और जो है 10 साल सत्ता में रहने के बाद नीतीश जी के साथ रहेंगे क्या सरकार है 25 में के साथ बाहुबलियों की केंद्र सरकार अभी गठन हुआ है, समूचा वही में जितना चुआ छटुआ कटुआ समूचा वही में, बिल्कुल बिल्कुल हम बोल रहे हैं ना कि अटुआ छटुआ बाहुबली समूचा वही में। अच्छा इंडिया की सरकार, इंडी गठबंधन में क्या है, सब अमृत के धुले हुए नहीं, सब बाहुबलियों की सरकार। सवाल ये होनी चाहिए मेरे भाई, सवाल ये होनी चाहिए, आपने कह रहे सुनिए ना, हम आप ही में बात करके बताते हैं, हमको कैमरा से ज्यादा बात बात करने के लिए कहीं बोल देते हैं। सुन लीजिए, आप कहते थे कि भैया हम दूध के धोए हैं, कांग्रेस में दागी लोग हैं, हम आएंगे भैया और उन्हीं का जो छांटा हुआ लोगों को अपने पार्टी में मिला ले रहे हैं, और कहते हैं कि दूध के धोए हुए लोग हैं, कौन लोग हैं जिसके ऊपर ठीक है, वो देश खत्म नहीं हुआ है, वो जांच इंक्वायरी चल रही है, इसी को निर्दोष साबित कर दिया गया, आप बताइए का जो दुरुपयोग करने का काम करते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम जानते हैं कि कुछ लोग भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया अलायंस से व्यक्तियों पर आपकी कार्रवाई होगी?